चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेजर्ड अलोंग द सर्कमफेरेंस इज गिवन बाई एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री टी क्यू बाई थ्री। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट किस पॉइंट पे टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना होगा एक्सेलरेशन। तो देखो डिस्टेंस जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, वो डिपेंड करती है टाइम पे। तो यानी ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो है लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर एक पार्टिकल ऐसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये उसका सेंटर है, ये रेडियस आर है, आर की वैल्यू 3 मीटर दी हुई है, तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में हो, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो स्पीड और मोशन अगर इधर है तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ठीक है। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ए नेट होगा, ए नेट। तो ए नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, सो ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, या इसको ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जनरली हम लोग इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी क्यू बाई थ्री, ये होता है, ये इक्वेशन लिखा हुआ। अब इस इक्वेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, तो मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी, कितना आएगा, 2t/2 प्लस 3t² बाई 3, 3 से 3 कटा 2 से 2 कटा, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, t प्लस टी स्क्वायर आ गई, करेक्ट है। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 1 + 2t आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 + 2t। अब ध्यान से देखो t = 2 सेकंड में पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 2 सेकंड में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं, 1 + 2 × 2, ठीक है, 1 + 2 × 2 कितना हो जाएगा 5, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी देखो t = 2 सेकंड पे, t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v = कितना होगा 2 + 2 का स्क्वायर 4 + 2 = 6 मीटर पर सेकंड होगा वेलोसिटी। अब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, v स्क्वायर बाई r, v की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू कितनी आ दिया हुआ है 3 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 36/3 कितना होगा 12 होगा, ac 36 बाई ये 36 हुआ, ये 3 हुआ, 12 आएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूं तो कितना आएगा, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 आएगा ना, सेंट्रिपेटल नेट एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, बी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।